अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जे सैमसंग J600F U7 को कैसे बाईपास किया जाता है। तो ये मेरे पास मोबाइल है सैमसंग J600 गलेक्सी J600U7 वर्जन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं J600FXXU7 और इसका वर्जन है 9। तो U7 को वर्जन को बाईपास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको ये वर्जन 10 पे एंड्रॉयड वर्जन 10 पे अपडेट करेंगे, क्योंकि ये एंड्रॉयड वर्जन 9 है तो ये बाईपास नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अपडेट करेंगे वर्जन 10 पे। तो आइए चल के अपडेट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल को डाउनलोड मोड में लगा दिया और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा FRP ऑफ और FRP लॉक ऑन, और OEM लॉक ऑन मॉडल भी शो हो रहा है, साथ में B7 भी शो हो रहा है। इसका मतलब इसका बूट वर्जन जो है वो 7 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डन को ओपन करेंगे। ओडियन को ओपन करने के बाद फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने J600 का वर्जन 10 डाउनलोड किया हुआ है, आपको मैं इस वीडियो में इसका लिंक दे दूंगा, आप भी डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में बाईपास कर सकते हैं। फाइल लोड हो रही है। इसको बाईपास करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप घर बैठे आराम से इस मॉडल को U7 वर्जन को बाईपास कर सकते हैं। तो पहले स्टेप हमारा क्या है, फ्लैशिंग है, फ्लैश कर रहे हैं हम इसको J600F U7 को वर्जन 10 पे। अपडेट करने के बाद मैं आपको FRP बाईपास का तरीका भी बताऊंगा, तो हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी टिक कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास जारी रह सके। तो दोस्तों हमारा मोबाइल अपडेट हो चुका है वर्जन 10 पे, अभी हम चलते हैं इसको बाईपास करते हैं। तब तक ये ऑन होगा, मैं आपको जब ऑन हो जाए इसके बाद आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बाईपास किया जाएगा। तो दोस्तों अपडेट करने के बाद क्या करना है कि वाईफाई कनेक्ट कर देंगे। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद यहाँ हमने टर्न ऑफ वाईफाई और नेक्स्ट, इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है, 4 से 5 दफ़ा करेंगे तो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं गेम।
ये ट्राई करते रहेंगे जब तक कि वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एरर वाला ऑप्शन नहीं आ जाता, तब तक हम ये ट्राई करते रहेंगे। तो इस तरह ही ट्राई करते रहेंगे जब तक कि ये एरर नहीं दे देता। ये देखिए सकते हैं एरर आ गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ऐप इन्फो में चले जाएंगे। ऐप इन्फो के बाद हमने चले जाना है परमिशन में, और परमिशन में यहाँ पे हमने सर्च करना है गूगल। यहाँ हम लिखेंगे गूगल, यहाँ हमने सर्च करना है ये ऐप इन्फो गूगल, यहाँ जाना है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं गूगल इंस्टॉल्ड आ रहा है। यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास गूगल आ गया है। अब वाईफाई ऑफ है तो पहले हम यहाँ से सेटिंग क्रोम में चले जाएंगे, गूगल क्रोम ओपन हो गया, यहाँ से सेटिंग सर्च कर लेंगे। बैक चले जाएं, यहाँ से हमने सेटिंग सर्च करनी है। सेटिंग से वाईफाई को ओपन करेंगे, ऑन करेंगे, वाईफाई ऑन हो गया, कनेक्ट हो गया। अब दोबारा क्रोम में चले जाना है, गूगल क्रोम हमने ओपन कर लिया है। इसके बाद एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड करेंगे, बाकी सेम प्रोसेस है जिस तरह हम वर्जन 7 या 8 को बाईपास करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आपको बाईपास करने में मुश्किल ना हो। एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड करते हैं, इसके साथ साथ टेक्नो केयर बाईपास भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। इंशाल्लाह इन दोनों ऐप से हमारा काम हो जाएगा।
आइए चल के ट्राई करते हैं। बाकी वही सेम प्रोसेस है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एपेक्स लॉन्चर को इंस्टॉल करेंगे। एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल करने के बाद ओपन। ओपन के बाद सेटिंग्स, सेटिंग्स में वही सेम प्रोसेस, बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे अदर सिक्योरिटी ऑप्शंस, डिवाइस एडमिन एप्स, फाइंड माय डिवाइस ऑफ है, ठीक हो गया। इसके बाद हमने टेक्नोकेयर को इंस्टॉल करना है। डाउनलोड्स, तो टेक्नोकेयर अब तक डाउनलोड नहीं हुआ। क्रोम ओपन करेंगे, डाउनलोड्स, टेक्नोकेयर डाउनलोड हो रहा है, वेट करते हैं। तो टेक्नोकेयर भी डाउनलोड हो गया है। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमने चले जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग में अकाउंट्स, सॉरी, सेटिंग्स में ऐप्स, ऐप्स में अकाउंट मैनेजर को डिसेबल कर देते हैं। गूगल प्ले सर्विसेज डिसेबल, और इसके बाद हम अकाउंट ऐड कर देते हैं। अकाउंट्स एंड बैकअप, अकाउंट्स ऐड अकाउंट, गूगल अकाउंट, यहाँ आप अपना गूगल अकाउंट ऐड कर देंगे। गूगल अकाउंट ऐड हो गया, अभी हमने इसको दोबारा डिसेबल कर देना है ऐप्स में जाके, गूगल प्ले सर्विसेज को। ऐप्स में जाके गूगल प्ले सर्विसेज को इनेबल कर देते हैं और मोबाइल को रिस्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमने इंस्टॉल कर ली है, अभी चेक करते हैं कि मोबाइल बाईपास हो चुका है या नहीं हो। मोबाइल को एक्टिवेट करते हैं।
नेक्स्ट। तो ये अकाउंट इसमें ऐड हो चुका है। नेक्स्ट करके एक्टिवेट करते हैं, चेक करते हैं मोबाइल को। डोंट कॉपी, नेक्स्ट, अकाउंट एडेड। नेक्स्ट नेक्स्ट स्किप। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने G600FU7 को बाईपास कर दिया है। मैं आपको वर्जन भी शो करवा देता हूं, इसमें कौन सा वर्जन है। तो ये आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 10 है। अभी इसको हमने यहां से अकाउंट से रिमूव कर देने हैं। जाके अकाउंट रिमूव कर देंगे। अकाउंट रिमूव और साथ में ये टेक्नो केयर को भी रिमूव कर देते हैं। एप्स टेक्नो केयर अनइंस्टॉल। ओके, एपेक्स मैनेजर अनइंस्टॉल। दोस्तों अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।